If a line is prepared by sum of two angle, so we call them linear pair. जहाँ जैसे यहाँ पर एंगल A प्लस B जो है वो एक लाइन बना रहा है मिलके, एंड इट्स सम इज 180 डिग्री. इन द सेम वे यहाँ पे लाइन PR तैयार हो रही है अगर हम एंगल PQS और एंगल SQR को ऐड कर देते हैं. अगेन दिस इज लीनियर पेयर और 1+2 एंगल 1 और 2 जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ लाइन. लीनियर पेयर की तरह, लेकिन यहाँ पर अगर तीन एंगल हो जाए, पेयर में वी आर कंसिस्टिंग ओनली टू, लेकिन अगर तीन एंगल मिलके एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एंगल ए बी डी, एंगल डी बी ई और एंगल ई बी सी, तीन एंगल मिलके बना रहे हैं एक लाइन ए सी, तो ये एंगल कहलाते हैं एंगल्स ऑन द सेम लाइन. ध्यान रखना ये लीनियर पेयर एंगल्स नहीं है. अगर आपके पास दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तैयार होते हैं, जैसा कि फिगर में आपको गिवन है. फर्स्ट फिगर में दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और सेकंड फिगर में भी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके लिए मेंशन करे हुए हैं. यहाँ पर आपके लिए मेंशन करी है पैरेलल लाइंस. हमेशा याद रखना पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, चाहे वो डायगनल है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, चाहे वो वर्टिकल है, बट द डिस्टेंस थ्रू आउट इज सेम, इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. In this figure, transversal is also visible. By the combination of parallel lines and transversal, we are having corresponding angles also. So let's start corresponding angles. Corresponding angles के लिए आपका हमेशा F बनेगा. वो flip भी कर सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कैसा भी हो, लेकिन बनेगा F. तो आपको indicate हो जाएगा कि that is a corresponding angle. Then we are having the alternate interior angles. आपके brown color से एक pair of alternate interior angles given है और दूसरे green color से दूसरा alternate interior angles mention किया गया है. Alternate interior angle के लिए आपके पास हमेशा Z create होगा. वो किसी भी form में हो सकता है, उल्टा, सीधा, चाहे आप ऐसे Z बनाएं, but हमेशा आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड देगा, ये इसकी पहचान है. सो यूज दिस टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब आते हैं को इंटीरियर एंगल्स पे, विच इज इंडिकेटिंग इन द पिक्चर. ये इधर भी हमारे दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और इसकी दूसरी साइड भी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी हमारा को इंटीरियर एंगल्स है. आपका डिजिटल सी किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है और इनका सम जो है हमेशा होता है 180 डिग्री. दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट देयर सम इज 180 डिग्री. वी विल यूज ऑल दीज प्रॉपर्टीज विच वी हैव लर्न टुडे ऑफ लाइंस एंड एंगल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस.